मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अटकलों का दौर जारी है। वहीं प्रदेश सरकार ने अध्यादेश वापस लेने के बाद चुनाव निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि शासन द्वारा अध्यादेश को वापस लिया गया था, उसकी सूचना आज हमें प्राप्त हुई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक कराई गई है, जिसमें आयोग की तरफ से विधिवत राय ली जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास से आज हमें उनकी राय प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा कि आगे किस तरह चुनाव कराए जाए या चुनाव को निरस्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग किस तरीके से आगे काम करेगा? देखिए, शासन से जो अध्यादेश जारी हुआ था वो वापस ले लिया है, इसकी सूचना आज हमें प्राप्त हुई है। और आज हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक कराई है। पूरी वस्तु स्थिति जानी है। अब आयोग की ओर से लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं। लीगल ओपिनियन आज हमें प्राप्त हो जाएंगे, उसके पश्चात फिर निर्णय लेंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, स्थगित करना है, निरस्त करना है। जो भी निर्णय होगा लीगल ओपिनियन के आधार पर किया जाएगा।